लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज बीजेपी का संकल्प पत्र को भोपाल में प्रसारित किया और कहा कि यह संकल्प पत्र 15 लाख सुझावों का सार है। इसके जरिए मोदी की हर गारंटी को पूरा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में देश के आमजन का विश्वास जीता है, इसलिए जो पहले कभी घोषणा पत्र था वह आज संकल्प पत्र है। संकल्प वह होता है जिसे पूरा किया जाए। गारंटी की गारंटी वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने अंतर मन से शब्द का महत्व समझा है। एक ध्येय वाक्य माननीय मोदी जी बोलते हैं, यही समय है सही समय। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर के आगे बढ़ने का निश्चित रूप से इस समय का हम उपयोग करेंगे। और जैसे कि हमने देखा है कि देश ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान का गौरव भी हासिल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी को भी समान रूप से महत्व देते, जैसे इसमें गुंजाइश दी संकल्प पत्र में। हमने अपने यहाँ डीप रिसर्च सेंटर की स्थापना IIT इंदौर के माध्यम से कराई थी। ये उसी प्रकार के कि अगर इंडस्ट्रियाँ हैं उनको सेल्फ अपने प्रोडक्ट की को रिसर्च रिपोर्ट लेना है, उस पर काम करना है, तो आगे जाकर के कैसे कैसे साइंस सिटी बनाना, साइंस सिटी को भी इसमें गुंजाइश दी। आधुनिक विज्ञान के कई केंद्र डेवलप करने की बात कही, कौन सा सेक्टर छोड़ा है, सभी सेक्टरों को इसमें लिया है। तो प्राचीन ज्ञान का भी महत्व है, आधुनिक विज्ञान का भी महत्व है, रोजगार का भी महत्व है और विकास का संकल्प भी पूरा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इस संकल्प पत्र में 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की शुचिता को फिर से स्थापित किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। 10 साल के अपने कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं उनमें आज जो अमिट छाप दुनिया के अंदर छोड़ी है, चाहे वो राम मंदिर का इश्यू होगा, धारा 370 होगी, ट्रिपल तलाक होगा, नागरिकता संशोधन कानून होगा, महिला आरक्षण बिल होगा, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प में मोदी की गारंटी के तौर पर आज ये संकल्प पत्र देश को आगामी 5 वर्षों के अंदर जो 2047 का भारत बनेगा वो विकसित भारत होगा और भारत विश्व के अंदर नेतृत्व करेगा, इस आधार पर ये संकल्प पत्र जारी किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।